हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बिकम स्टेनोग्राफर। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम हे और आर के इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में सीखेंगे। सो जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियोस में आपको कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स सिखाए थे, उसी केस में कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं जो हे और आर कॉन्सोनेंट्स के होते हैं, वो रूल्स हम आपको आज के वीडियो में सिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ हे ऑब्लिक आर, आर और हे के जो रूल्स हैं वो हम आपको बताएंगे। हे के जैसे कि हमने आपको कॉन्सोनेंट सिखाए थे, जब बताए थे दो पार्ट होते हैं, एक होता है हे डाउनवर्ड और एक होता है हे अपवर्ड। सेम उसी तरह हमने आपको आर के भी दो पार्ट बताए थे कि एक होता है आर डाउनवर्ड और एक होता है आर यानी रे, जो कि डाउन टू अपवर्ड बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक आर होता है जो कि एक डाउनवर्ड होता है। सो उनके क्या रूल्स होते हैं कि कहाँ पे हमें अपवर्ड आर बनाना है और कहाँ पे डाउनवर्ड आर बनाना है, और कहाँ पे हमें अपवर्ड हे बनेगा और कहाँ पे हे डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को ही आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे। सो हम बोर्ड पे ध्यान देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है हे के नियम। ठीक है, सो अभी वन बाय वन हम आपको पहले हे के नियम सिखाएंगे, उसके बाद हम आपको आर के भी नियम सिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो अभी हम हे के नियम देखते हैं। सो फर्स्ट नियम हमारा यहाँ पे है कि हे सिंगल, जब किसी वर्ड में हे सिंगल आता हो तो हे कैसा बनेगा, डाउनवर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डी डब्ल्यू का मतलब होता है डाउनवर्ड, यानी हे जो अगर किसी वर्ड में आउटलाइन अगर सिंगल हे आ रहा होगा तो हे हमेशा डाउनवर्ड बनेगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम इसका, हे। अब हे वर्ड देखिए आप, इसमें हे सिंगल है, एच सिंगल कॉन्सोनेंट आएगा, तो जब भी कोई सिंगल कॉन्सोनेंट आएगा हे का तो वहां पे हे जो होगा वो डाउनवर्ड बनेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हे एच कॉन्सोनेंट है तो ये हे यहाँ पे हमारा डाउनवर्ड बनेगा, ये यहाँ पे इस टाइप से हमारा हे बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ए वाई तो मे का ओवल की पहचान होती है, आपको पता है, हमने बताया है। सो अब हम मे का ओवल सेकंड प्लेस पे डार्क डॉट लगा देंगे। सो ये वर्ड हो गया हमारा हे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, किसी वर्ड में हे आ रहा हो और हे के बाद के गे एम या एल आ रहा हो। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहां देखिए किसी भी वर्ड में हे कॉन्सोनेंट आ रहा हो और उसके बाद के गे एम या एल आ रहा हो तो कौन सा हे बनेगा, तो हमारा हे डाउनवर्ड बनेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है हे डाउनवर्ड, डी डब्ल्यू यानी डाउनवर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, अब एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं कि कैसे होगा। सो यहाँ पे हमने दो एग्जांपल लिए हैं, उन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, अब आप ये वर्ड पे नोट कीजिए, ध्यान दीजिए, हे कॉन्सोनेंट है और के कॉन्सोनेंट है। ठीक है, और ए बीच में ए और लास्ट में ई आ रहा है, सो हमें पता है कि मे का वोवल आ रहा है। सो मे का वोवल जब भी आता है आउटलाइन हमेशा ऑन द लाइन बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, सो अब हम देखते हैं हे कॉन्सोनेंट है और के कॉन्सोनेंट है। रूल के अकॉर्डिंग यही कहा गया है कि हे आ रहा हो और हे के बाद में के आ रहा हो, के गे एम या एल आ रहा हो, सो इस वर्ड में हमारा के आ रहा है। देखिए आप, के वर्ड में के कॉन्सोनेंट आ रहा है। सो हम ऑन द लाइन आउटलाइन बनाएंगे, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो वोवल है वो मे का वोवल आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, सो अब हमें हे डाउनवर्ड बनाना है, क्यों, क्योंकि वर्ड में हे के बाद के आ रहा है। ठीक है, सो हम हे की आउटलाइन बनाएंगे, हे हमारा डाउनवर्ड बनेगा और यहाँ पे के की आउटलाइन बनाई ऑन द लाइन। यहाँ पे हमने ऑन द लाइन आउटलाइन बनाई है, आप ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि के हमारी जो होती है वो एक हॉरिजॉन्टल आउटलाइन होती है। सो मे का ओवल सेकंड प्लेस पे लगाएंगे, यहाँ पे डार्क डॉट लगाया, सो ये वर्ड हो गया ह, फिर वर्ड में ओवल आ रहा है ए, फिर क, तो ये वर्ड हो गया हेक। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका, हे। हे और एल दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पे हमने बताया रूल के अकॉर्डिंग कि हे के बाद के गे एम या एल आ रहा हो, तो देखिए इस वर्ड में एल भी आ रहा है, सो हे के बाद एल आ रहा है, इसके लिए हमें हे डाउनवर्ड बनाना पड़ेगा। ये हमने हे डाउनवर्ड बनाया और एल बनाया इसमें। ठीक है, हे और एल दो कॉन्सोनेंट जोड़ दिए हमने, अब इसमें वोवल प्लेस करेंगे वर्ड में, सो ए बीच में आ रहा है और लास्ट में ई आ रहा है, सो हमें पता चलेगा कि इस वर्ड में मे का वोवल आ रहा है, जो कि एक डार्क डॉट लगता है सेकंड प्लेस पे। सो यहाँ पे हमने सेकंड प्लेस पे इस वर्ड में एक डार्क डॉट लगा दिया है जो कि मे के वोवल का साइन है। ठीक है फ्रेंड्स, सो आपको हमने दो रूल बताया अभी तक। नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या होता है। अब किसी वर्ड में हे आ रहा हो और हे के बाद अदर स्ट्रोक आ रहा हो, अदर स्ट्रोक इन द सेंस यानी उस वर्ड में हे के बाद के गे एम या एल के अलावा जो भी हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, जो भी हमारे स्ट्रोक से वो आ रहे हो, तो हमारे लिए उस वर्ड में जो हे का साइन होगा वो हे डाउन अपवर्ड बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अपवर्ड और डाउनवर्ड का ध्यान रखना है कि कहां पे अपवर्ड हे बनता है और कहां पे डाउनवर्ड हे बनता है।
इस एग्जांपल में हम देखते हैं क्या कैसे हेयर हमारा अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। सो वर्ड है हेट, हे है और टी कॉन्सोनेंट है, दो कॉन्सोनेंट है। सो अब हम यहाँ पे एज पर रूल हमारे लिए हे का जो कॉन्सोनेंट है वो हे अपवर्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद अदर स्ट्रोक आ रहा है, के के एम एल नहीं आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, हे के बाद। सो अब हम हे की आउटलाइन बनाएंगे, हे अपवर्ड और टी की कॉन्सोनेंट बनाएंगे। सो ये वर्ड हुआ हेट। अब बीच में ए आ रहा है, लास्ट में ई, सो मे का वोवल है और मे के वोवल का जो साइन होता है वो डार्क डॉट होता है जो कि सेकंड प्लेस पर लगता है। सो यहाँ पे हम सेकंड प्लेस पे एक डार्क डॉट लगा दिया। सो ये वर्ड हुआ हे, फिर मे का वोवल है ए और ट, तो ये वर्ड हो गया हेट, ठीक है फ्रेंड्स। उसी प्रकार हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हेन, ठीक है। अब इस वर्ड में देखिए आप हे कॉन्सोनेंट आ रहा है और एन कॉन्सोनेंट है, ठीक है। सो अब हम एज पर रूल देखते हैं, हे के बाद जब अदर स्ट्रोक आता है यानी के के एम एल के अलावा जो कोई अदर स्ट्रोक आता है, सो आउटलाइन जो होती है हे की, हे अपवर्ड बनती है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है हे अपवर्ड, सो अब हम हे अप बनाएंगे, ये हे अप बनाया और एन की आउटलाइन बनाएंगे। सो अब वर्ड देखिए आप, बीच में ए और लास्ट में ई, तो मे का ओवल है, मे का ओवल साइन जो होता है डार्क डॉट होता है, सो यहाँ पे हमने डार्क डॉट लगा दिया सेकंड प्लेस पे। सो ये वर्ड हुआ ह, फिर ए और न, तो ये वर्ड हो गया हेन, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट इसका रूल समझते हैं हम कि जब किसी वर्ड में के गे एम एन या एल आ रहा हो और उसके बाद में हे आ रहा हो, आप ध्यान दीजिएगा, किसी वर्ड में के गे एम एन या एल की आउटलाइन आ रही हो, ठीक है, और उसके बाद में हे आ रहा हो, उसके बाद में हे आ रहा हो, तो हे डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। अब डाउनवर्ड हे बनेगा अगर ये पहचान हमें मिलेगी तो। अब जैसे वर्ड देखते हैं, एग्जांपल लाहौर, लाहौर पाकिस्तान के शहर का नाम है लाहौर। सो अब देखिए पहले एल आ रहा है, फिर एच आ रहा है और यानी हे आ रहा है और फिर आर आ रहा है, तीन कॉन्सोनेंट है इस वर्ड में, ठीक है, और पा का ओवल आ रहा है इसलिए आउटलाइन अबव द लाइन बनाएंगे। एल पहले आ रहा है हे से, इसमें देखिए रूल में एल आ रहा है और एल के बाद हे आता है तो हे डाउनवर्ड बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो पहला कॉन्सोनेंट है हमारा एल, तो एल बनाया, फिर हम हे बनाएंगे और आर बनाएंगे। सो ये वर्ड हो गया लाहौर। अब इसमें वोवल प्लेस करना है, पा का वोवल आ रहा है, सो पा का वोवल फर्स्ट प्लेस पे डार्क डॉट लगता है, सो ये वर्ड हो गया लाहौर, ठीक है फ्रेंड्स। और लाहो, एच के बाद गो का वोवल आ रहा है, सो यहाँ पे गो का वोवल का डार्क डैश लगाया, सो ये वर्ड बन गया ल आ हो र, जो वर्ड हुआ लाहौर, ठीक है फ्रेंड्स। उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल है इस रूल का, कोहीर, ठीक है। अब आप देखिए के आ रहा है और हे बाद में आ रहा है, यानी के बाद में हे आ रहा है, सो इस वर्ड में के कॉन्सोनेंट है और हे कॉन्सोनेंट है और आर कॉन्सोनेंट है, तीन कॉन्सोनेंट है। आप बोर्ड पे एग्जांपल्स पे ध्यान दीजिए। सो के गो का बोल आ रहा है, तो के गो के बोल के लिए आउटलाइन ऑन द लाइन बनाएंगे, सो हमने के बनाया, हे डाउनवर्ड बनाया और आर बनाया और वोवल डार्क डैश लगाया सेकंड प्लेस पे, ठीक है। सो वर्ड हो गया क ओ ह और र। अब देखिए ई जो सेकंड आई मीन थर्ड प्लेस पे वी का वोवल भी लगेगा डार्क डॉट, सो यहां हमने डार्क डॉट लगाया, सो वर्ड हो गया क यानी क ही र, तो ये वर्ड हो गया कोहीर। वी का वोवल थर्ड प्लेस पर लगता है डार्क डॉट, ठीक है फ्रेंड्स। सो हे के ये इंपॉर्टेंट रूल से आप इनको अप्लाई करना एग्जांपल्स में, सो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इन वर्ड्स की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना और इन रूल्स को आप याद करना, ठीक है। ये रूल्स इजीली कोई भी नहीं बताता है और हम आपको सिखा रहे हैं, सो आप इनकी वैल्यू समझिए और आप इनको अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए, बिकॉज जब आप स्पीड में लिखना शुरू करेंगे तब आपको ईजी रहेगा कि आप रूल अगर आपको ध्यान रहेंगे तो आप फटाफट कौन सी जगह हे अप बनाना है, कौन सी जगह हे डाउन बनाना है, या फिर कौन सी जगह आर डाउनवर्ड बनेगा, या फिर कौन सी जगह आर का रे वाला पार्ट बनेगा, वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो हम एफ के कुछ रूल हैं, एफ के भी देख लेते हैं क्या रूल है। यानी किसी वर्ड में एफ या वी आ रहा हो, एफ ऑब्लिक वी और उसके बाद एल आ रहा हो, तो एल डाउनवर्ड बनेगा। एल डाउनवर्ड कैसे होता है ये देखिए आप, हम आपको बना के दिखाते हैं। यानी एल डाउनवर्ड यानी ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है ना, ये इस टाइप एरो से आप समझिए, ऊपर से चलते हुए नीचे की तरफ आउटलाइन बनेगी। सो एफ और वी के बाद एल आ रहा हो तो वर्ड में एल डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब वर्ड का एग्जांपल है ये हमारा फेल, देखिए आप एफ कॉन्सोनेंट है और एल कॉन्सोनेंट है,
ठीक है, ए आई मे का वोवल का पहचान है, सो इसमें वोवल जो है मे का वोवल लगेगा सेकंड प्लेस पे डार्क डॉट। सो अब एफ देखिए, एफ है और एफ के बाद एल आ रहा है, इस रूल के अकॉर्डिंग यही है, एफ के बाद एल आ रहा हो तो एल डाउनवर्ड बनेगा। सो अब हम एफ की आउटलाइन बनाएंगे, एफ और एल डाउनवर्ड बनाया, एल नीचे की तरफ आया यानी डाउनवर्ड है, ठीक है। अब मे का वोवल का जो साइन होता है डार्क डॉट होता है, सो हम डार्क डॉट लगा देते हैं सेकंड प्लेस पे। सो ये हमने डार्क डॉट लगा दिया, सो ये वर्ड हो गया फ ए और ल, तो वर्ड हो गया फेल, ठीक है फ्रेंड्स। एल डाउनवर्ड बनेगा एफ के बाद अगर एल आ रहा होता है वर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है फील, देखिए आप डबल ई एफ और एल, ठीक है, एफ कॉन्सोनेंट के बाद में एल आ रहा है, ठीक है, और वी का वोवल है। सो वी का वोवल जब भी आता है आउटलाइन जो होती है हमेशा थ्रू द लाइन बनती है, तो थ्रू द लाइन हम एफ की आउटलाइन बनाएंगे, एफ और एल डाउनवर्ड बनाया हमने, सो ठीक है। और वी का वोवल होता है जब दो या दो से अधिक आउटलाइन होती है किसी भी वर्ड में, तो पहली आउटलाइन के थर्ड प्लेस पर लगने वाला वोवल दूसरी आउटलाइन के पहले या ऊपर थर्ड प्लेस पर लगेगा। सो अब यहाँ पे वी का वोवल है और दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट है और थर्ड प्लेस का वोवल है, तो दूसरी आउटलाइन एल है तो एल के पहले वोवल लगाएंगे, ठीक है। सो थर्ड प्लेस का वोवल है वी का वोवल, डार्क डॉट लगाएंगे, सो यहाँ पर हमने डार्क डॉट लगाया, सो वर्ड हो गया फ ई ल, वर्ड हो गया फील, ठीक है फ्रेंड्स। काफी इजी था ये, आपको यही ध्यान रखना है वर्ड में एफ या वी आ रहा हो और उसके बाद एल आता हो कॉन्सोनेंट तो हमेशा एल डाउनवर्ड बनेगा। अब देखते हैं आर प्लस एल, यानी आर के रे वाला पार्ट आ रहा हो और उसके बाद एल आ रहा हो तो एल डाउनवर्ड बनेगा। हमने आपको आर के दो पार्ट बताए थे, एक होता है आर डाउनवर्ड और एक होता है रे, यानी आर का जो पार्ट होता है रे वो रे अपवर्ड होता है, नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। सो आर यानी रे, आर का रे वाला पार्ट आ रहा हो किसी भी वर्ड में और उसके बाद एल आ रहा हो तो एल हमेशा डाउनवर्ड बनेगा। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ये वर्ड है रेल, ठीक है फ्रेंड्स, आर और एल, ठीक है, दो कॉन्सोनेंट है। अब देखिए आर के बाद में ए आई यानी मे का वोवल आ रहा है, ठीक है, तो मे का वोवल आ रहा है तो आउटलाइन ऑन द लाइन बनेगी, सो यहाँ पे हमें रे की आउटलाइन बनानी है, तो रे की आउटलाइन बनाएंगे और एल डाउनवर्ड बनाएंगे, ठीक है। सो हमने यहाँ पे एल डाउनवर्ड बनाया। अब मे का वोवल सेकंड प्लेस पे डार्क डॉट लगेगा, ठीक है, सो सेकंड प्लेस पे डार्क डॉट लगाएंगे, सो यहाँ पे हमने डार्क डॉट लगा दिया। सो ये वर्ड हो गया र ए ल, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रेल वर्ड हो गया, यानी एल डाउनवर्ड बनेगा अगर रे के बाद में एल आ रहा हो किसी भी वर्ड में, सो एल जो होता है डाउनवर्ड बनेगा यानी ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा, जैसे अभी हमने इस एग्जांपल में सिखाया था फेल में एल डाउनवर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। एक एग्जांपल और सीखते हैं इसका, रूल आर और एल दो कॉन्सोनेंट है और बीच में यू और लास्ट में ई आ रहा है तो टू के वोवल की पहचान होती है, सो टू का वोवल जब भी आता है तो आउटलाइन थ्रू दी लाइन बनती है, और थर्ड प्लेस का रूल है और दो या दो से अधिक आउटलाइन है, सो वही रूल हमारा एप्लीकेबल होगा थर्ड प्लेस वाला जो हम आपको बार बार सिखाते हैं और अब दोबारा रिपीट कर देते हैं। जब किसी भी वर्ड में दो या दो से अधिक आउटलाइन आती है और थर्ड प्लेस का वोवल होता है, सो पहली आउटलाइन के थर्ड प्लेस पर लगने वाला वोवल दूसरी आउटलाइन के पहले या ऊपर थर्ड प्लेस पर लगेगा। सो अब इस वर्ड में देखिए रे और एल दो कॉन्सोनेंट है और टू का वोवल है तो थ्रू द लाइन आउटलाइन बनाएंगे हम, सो रे को हमने थ्रू द लाइन बनाया और एल डाउनवर्ड बनाया, ठीक है फ्रेंड्स। अब टू का वोवल है तो दूसरी आउटलाइन के पहले लगेगा और टू के वोवल का जो साइन होता है वो होता है डार्क डैश, ठीक है फ्रेंड्स, सो यहाँ पे हमने डार्क डैश लगा देंगे। सो ये वर्ड हो गया र ऊ और ल, तो रूल वर्ड हो गया ये हमारा, ठीक है। आपको कॉन्सोनेंट लाइट और डार्क कॉन्सोनेंट्स में भी ध्यान रखना है और वोवल्स के जो साइंस होते हैं उन साइन का भी ध्यान रखना है कि कौन सा साइन जो होता है लाइट बनता है और कौन सा साइन जो होता है डार्क बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका, किसी भी वर्ड में आर यानी आर का रे वाला पार्ट आ रहा हो उसके बाद एल आ रहा हो और उसके एल के बाद वोवल आ रहा हो वी यानी वोवल, ठीक है, यानी यहां से समझते हैं रे आ रहा हो किसी वर्ड में, ठीक है, उसके बाद में एल आ रहा हो और उसके बाद में एल के बाद में वोवल आ रहा हो तो एल अपवर्ड बनेगा वहां पे, इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब वर्ड देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, रैली रैली आर एल और एल के बाद देखिए आप इसका वोवल आ रहा है, यानी एल के बाद यहाँ पे एज पर रूल एल के बाद एक वोवल आ रहा है, सो आउटलाइन जो एल की बनेगी वो एल अपवर्ड बनेगा यानी एल अप बनेगा, जैसे कि अब दैट का वोवल है इस वर्ड में सो रे की आउटलाइन बनाएंगे और एल अपवर्ड बनाएंगे, सो आर के बाद दैट का वोवल है, दैट का वोवल साइन होता है लाइट डॉट, सो हमने यहाँ पे लाइट डॉट लगाया, सो ये वर्ड हो गया रे
और एल बना है, एल अपवर्ड बना है एज पर रूल, क्यों? क्योंकि एल के बाद में वोवल आ रहा है फाइनल, ये देखिए इसका वोवल आ रहा है, तो एल अप बना है, तो एल के बाद फाइनल वाई से इसका वोवल बन रहा है, तो इसका वोवल लाइट डॉट लगेगा, सो यहां पे हमने लाइट डॉट लगा दिया। सो ये वर्ड हो गया रे ल और फिर ई, तो वर्ड हो गया रैली। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका, रियली। रियली काफी कॉमन फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड है, आई मीन सो रे और एल और वाई। देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी थ्रू द लाइन आउट टाइम बनेगी, क्यों? क्योंकि वर्ड में जो साउंड है वो वी का वो ला रहा है, रियली। ठीक है फ्रेंड्स, सो री के रे की आउट टाइम थ्रू द लाइन बनाएंगे और एल अप बनाएंगे। सो ठीक है फ्रेंड्स, और वाई वोवल आ रहा है, तो वाई एल के बाद थर्ड प्लेस पे लाइट डॉट लगाया, सो ये वर्ड हो गया रियली। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आएंगे, रूल भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम इसके कुछ आर के कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं वो आर के एग्जाम्पल्स सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो अब फ्रेंड्स हम इसके अलग कुछ और नियम सीखते हैं। एन और इंग का रूल है, मतलब कि एन और इंग के बाद अगर एल आ रहा हो किसी भी वर्ड में, सो एल डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू अभी हम समझेंगे। एल डाउनवर्ड हमने आपको बताया ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, हमने कॉन्सोनेंट सिखाए थे तब भी आपको है, सारे कॉन्सोनेंट बताए थे कि अपवर्ड कौन सा कॉन्सोनेंट होता है और डाउनवर्ड कौन सा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो अगर किसी वर्ड में एन आ रहा हो और एन के बाद एल आ रहा हो तो एल हमेशा डाउनवर्ड बनेगा। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, निल, निल वर्ड है, आप देखिए इसमें एन कॉन्सोनेंट है और एल कॉन्सोनेंट है, यानी एन के बाद एल कॉन्सोनेंट आ रहा है, सो एन के बाद जब एल कॉन्सोनेंट आएगा तो एल हमेशा डाउनवर्ड बनेगा। सो हम एन की आउटलाइन बनाएंगे और एल की आउटलाइन डाउनवर्ड बनाएंगे, एल हमने डाउनवर्ड बनाया और वर्ड में इसका वोवल था इसलिए हमने थ्रू द लाइन आउटलाइन बनाई है। ठीक है, सो हम थर्ड प्लेस पर एक इसका लाइट डॉट लगा देंगे, सो ये वर्ड हो गया न ई और ल, यानी न ई और ल, सो वर्ड हो गया निल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी अपवर्ड स्ट्रोक हो और उसके बाद एल आ रहा हो तो एल हमेशा डाउनवर्ड बनेगा। अपवर्ड स्ट्रोक हमने आपको बताए थे जो नीचे से ऊपर की तरफ बनते हैं, आप कॉन्सोनेंट के अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखे हैं सो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, हमने उसमें कॉन्सोनेंट्स आपको सिखाए हैं, सो आप पहले उन कॉन्सोनेंट्स को सीख लीजिए आराम से। ठीक है फ्रेंड्स, सो उसमें हमने अच्छे से बताया कि कौन से कॉन्सोनेंट अपवर्ड होते हैं और कौन से कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो डाउनवर्ड होते हैं। सो हम रे देखिए, आप आर और एल दो कॉन्सोनेंट है, सो रे अपवर्ड स्ट्रोक होता है, इसलिए हम यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग अपवर्ड स्ट्रोक हो और उसके बाद एल आ रहा हो तो एल हमेशा डाउनवर्ड बनेगा। सो रे की आउटलाइन हम अपवर्ड बनेगी, क्यों? क्योंकि रे हमेशा अपवर्ड बनता है, सो हमने रे बनाया और एल हमेशा डाउनवर्ड बनेगा, क्यों? क्योंकि अपवर्ड स्ट्रोक के बाद जब एल आता है तो एल डाउनवर्ड बनेगा रूल के अकॉर्डिंग। और मे का वोवल आ रहा है इसलिए ए आई से, तो मे का वोवल सेकंड प्लेस पे डार्क डॉट लगा देंगे, सो ये वर्ड हो गया रेल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल इसका देखते हैं, हेल। तो आप देखिए हे अपवर्ड बनेगा और एल जो है एल के बाद, मतलब हे के बाद एल आ रहा है तो एल डाउनवर्ड बनेगा। सो हे की आउटलाइन बनाएंगे हम हे और एल, यानी अब हम मे का वोवल लगाएंगे, ए आई से मे का वोवल की पहचान है, सो यहाँ पे हमने डार्क डॉट लगा दिया, सो वर्ड हो गया ह, फिर मे का वोवल ए और ल। ठीक है फ्रेंड्स, हेल। नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट रूल, यानी अपवर्ड स्ट्रोक आ रहा हो वर्ड में और उसके बाद एल आ रहा हो और उसके बाद में वोवल आ रहा हो, यानी अपवर्ड स्ट्रोक के बाद में एल तो आ रहा हो बट एल के बाद में एक और वोवल फाइनल वोवल आ रहा हो, तो वहां पे उस कंडीशन में एल जो होगा अपवर्ड बनेगा। जैसे कि हम एग्जांपल समझते हैं, रैली। अब देखिए फ्रेंड्स, आर आ रहा है यानी रे अपवर्ड स्ट्रोक आ रहा है और एल भी कॉन्सोनेंट आ रहा है बट एल के बाद वोवल आ रहा है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो एल के बाद में अगर वोवल आ रहा होता है तो एल जो हो अपवर्ड बनेगा, सो रे की आउटलाइन बनाएंगे और एल अपवर्ड बनाया, एल अपवर्ड इसलिए बनाया क्यों? क्योंकि एल के बाद में वोवल आ रहा था। ठीक है, सो रे यानी आर के बाद दैट का वोवल आ रहा है तो दैट का वोवल सेकंड फर्स्ट प्लेस पे, आई मीन लाइट डॉट लगा दिया हमने। अब एल के बाद इसका वोवल आ रहा है, इसका वोवल का साइन भी होता है लाइट डॉट होता है, तो लाइट डॉट हमने एल के बाद भी लगा दिया, सो ये वर्ड हो गया रैली, तो वर्ड हुआ रैली। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार से होली वर्ड है हमारा, तो हे अपवर्ड बनेगा, एल बनेगा और एल के बाद में वोवल आ रहा है इसलिए एल अपवर्ड बनेगा, सो हो और ली, सॉरी फ्रेंड्स, हे ऑन द लाइन बनेगा बिकॉज गो का वोवल आ रहा है, आप इस चीज का ध्यान रखिए। एल के बाद में वोवल आ रहा है इसलिए लाइट डॉट लगा दिया, अब ह के बाद में गो का वोवल आ रहा है तो गो का वोवल का साइन जो होता है डार्क डैश होता है,
सो ये वर्ड हो गया ह ओ और ली, सो वर्ड हुआ होली। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आर के रूल्स सीखते हैं, आर के क्या नियम है, हमने यहाँ पे लिखा आर के नियम। सो अब हम वन बाय वन करके सीखते हैं। आर सिंगल आ रहा हो किसी वर्ड में और उसके बाद में वोवल आ रहा हो तो रे बनेगा। ठीक है मैम, ठीक है फ्रेंड्स, आर के बाद यानी वोवल आ रहा हो तो रे बनेगा। जैसे वर्ड है रे, सो आर देखिए कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में ए वाई यानी मे का वोवल आ रहा है, तो हम रे की आउटलाइन बनाएंगे। सो ये मे का वोवल लगा है तो रे की आउटलाइन बनेगी यानी रे बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आर सिंगल आ रहा हो वर्ड में और आर के बाद वोवल आ रहा हो, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल है वोवल पहले आ रहा हो और उसके बाद में आर आ रहा हो, आर सिंगल आ रहा हो, ठीक है फ्रेंड्स, यानी सिंगल आर से पहले जब वोवल आएगा तो आर डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, यानी आर का डाउनवर्ड वाला पार्ट बनेगा। जैसे एग्जांपल है एयर, ठीक है, सो आर देखिए आर कॉन्सोनेंट है और आर से पहले वोवल आ रहा है, सो आर से पहले वोवल आएगा तो आर डाउनवर्ड बनेगा। सो ये आर डाउनवर्ड बना दिया और मे का वोवल लगा दिया, आर से पहले वोवल आ रहा था, सो वर्ड हुआ एयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वोवल आ रहा हो वर्ड में, उसके बाद में आर सिंगल आ रहा हो और उसके बाद में भी वोवल आ रहा हो, तब भी हमारा आर जो होगा डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जांपल समझते हैं। एयर ही देखिए फ्रेंड्स, एक वोवल पहले आ रहा है, बीच में कॉन्सोनेंट आर आ गया हमारा, और आर के बाद में भी वोवल आ रहा है, तब भी हमारा जो आर का कॉन्सोनेंट है वो आर डाउनवर्ड ही बनेगा। सो हम आर डाउनवर्ड बनाएंगे, आर वोवल लगाएंगे, ए मे का वोवल और आर के बाद फाइनल वोवल इसका आ रहा है तो लाइट डॉट हमने एक और लगा दिया, सो वर्ड हो गया एयर ई, तो वर्ड हो गया एरी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं, आर आ रहा हो वर्ड में और उसके बाद कोई डाउनवर्ड स्ट्रोक आ रहा हो तो रे बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, आर आ रहा हो और वर्ड में डाउनवर्ड स्ट्रोक आ रहा हो आर के बाद तो रे बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि वर्ड है हमारा एर्थ, ठीक है, अब देखिए आप फ्रेंड्स मे का वोवल पहले आ रहा है और आर है और इथ है, दो कॉन्सोनेंट है और एक वोवल है, सो आर की जगह हम रे की आउटलाइन बनाएंगे, रे और इथ, क्यों, क्योंकि आर के बाद जो कॉन्सोनेंट बन रहा है वो हमारा डाउनवर्ड स्ट्रोक है, ये रूल के अकॉर्डिंग हमें यही पता चल रहा है। सो मे का वोवल लगाएंगे सेकंड प्लेस पे, डार्क डॉट, तो ए र और थ, तो वर्ड हो गया एर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं, रेट, देखिए फ्रेंड्स बीच में लास्ट में ही मे का वोवल है, रे और टी, क्यों, क्योंकि आर के बाद डाउनवर्ड स्ट्रोक आ रहा है, टी हमारा डाउनवर्ड स्ट्रोक है, सो हम रे की आउटलाइन बनाएंगे, सो रे की आउटलाइन हमने यहां बनाई और टी आउटलाइन बनाई, तो अब आर यानी रे के बाद में वोवल आ रहा है तो मे का वोवल, तो मे का वोवल सेकंड प्लेस पे डार्क डॉट लगा देंगे, सो ये डार्क डॉट लगा दिया, वर्ड हुआ र ए और ट, सो वर्ड हो गया रेट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग समझते क्या कह रहे हैं, कोई भी अदर स्ट्रोक आ रहा हो और उसके बाद में वोवल आ रहा हो और उसके बाद में आर आ रहा हो तो आर डाउनवर्ड बनेगा, यानी अदर स्ट्रोक कोई भी हो सकता है, पी बी टी डी चे जे को के। ठीक है फ्रेंड्स, अदर स्ट्रोक के बाद में अगर वोवल आ रहा हो, ठीक है, और उसके बाद में आर आ रहा हो तो आर हमारा जो होगा वो डाउनवर्ड आर बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं, पार, देखिए फ्रेंड्स पी है, कोई भी अदर स्ट्रोक हो गया, पी के बाद वोवल आ रहा है, देखिए कोई अदर स्ट्रोक हो गया उसके बाद वोवल आ रहा है और उसके बाद आर आ रहा है, ठीक है, सो हमारा आर डाउनवर्ड बनेगा। रूल भी यही कह रहा है, कोई अदर स्ट्रोक हो उसके बाद कोई वोवल आ रहा हो और उसके बाद आर आ रहा हो तो आर डाउनवर्ड बनेगा। सो हम पी की आउटलाइन बनाएंगे, पा का वोवल है तो अबव द लाइन पी बनाएंगे, पी और आर, ठीक है, अब पा का वोवल फर्स्ट प्लेस पर लगेगा डार्क डॉट, सो हमने डार्क डॉट लगा दिया और आर हमारा डाउनवर्ड बना, सो ये वर्ड हो गया प फिर आ और पार। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, टा, टी हमारा कोई भी अदर स्ट्रोक हो गया, रूल के अकॉर्डिंग ये देखिए अदर स्ट्रोक, फिर ट के बाद में एक टी के बाद में एक वोवल आ रहा है, वोवल भी आ रहा है, उसके बाद में आर आ रहा है, देखिए फ्रेंड्स आर भी आ रहा है, सो आर जो होगा डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो टी की आउटलाइन बनाएंगे हम अबव द लाइन, पा का वोवल आ रहा है और आर बना दिया हमने, टी फिर पा का वोवल का साइन डार्क डॉट लगा दिया, सो ट फिर आ और र, तो वर्ड हो गया टा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल रूल्स हैं बट आपको इनको याद करना बहुत जरूरी है, आप इनको अच्छे से समझिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फोटो वीडियो पे और आप इनको अच्छे से नोटबुक में राइट डाउन करके इनको याद करिए, अच्छे से एग्जांपल की प्रैक्टिस कीजिए, आप जल्दी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट और फाइनल रूल हम आज के वीडियो में हम समझते हैं, कोई भी अदर स्ट्रोक आ रहा हो, जैसे हमने अभी आपको बताया पी बी टी डी चे जे, कोई भी अदर स्ट्रोक हो सकता है, उसके बाद में वोवल आ रहा हो, उसके बाद में आर आ रहा हो और आर के बाद में फाइनल वोवल आ रहा हो,
तो उस कंडीशन में रे बनेगा, ठीक है, आर का जो रे वाला पार्ट बनेगा, रे बनेगी आउटलाइन। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास पारा, देखिए फ्रेंड्स कोई भी अदर स्ट्रोक आ रहा है पी, ठीक है पी अदर स्ट्रोक है, फिर एक वोवल है आ, यानी पा का वोवल है, अदर स्ट्रोक हो गया, वोवल हो गया, उसके बाद आर आ रहा है, आर भी आ रहा है जी, आर हो गया, अब आर के बाद में एक वोवल आ रहा है, देखिए आप वोवल है जी, बिल्कुल है, तो इस कंडीशन में रे की आउटलाइन बनेगी, ठीक है। अब पी की आउटलाइन पहले बनाएंगे, पहला कॉन्सोनेंट है तो पी की आउटलाइन बनाएंगे और रे की आउटलाइन बनाएंगे, दो कॉन्सोनेंट है इसमें पी और आर, ठीक है। अब पी के बाद में पा का वोवल आ रहा है तो एक पा के वोवल के लिए डार्क डॉट लगा दिया फर्स्ट प्लेस पे, अब आर के बाद भी पा का वोवल आ रहा है तो आर के बाद भी हमने फर्स्ट प्लेस पे, सॉरी फर्स्ट प्लेस पे हमने एक डार्क डॉट लगा दिया, सो वर्ड हो गया पारा, ठीक है फ्रेंड्स, सो ये वर्ड हो गया पारा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं तारा, सो टी की आउटलाइन बनाएंगे हम और आर की आउटलाइन बनाएंगे, और टी के बाद में वोवल आ रहा है पा का वोवल, और आर के बाद में भी वोवल आ रहा है पा का वोवल, ठीक है फ्रेंड्स, सो हम वोवल प्लेस करेंगे इसमें, तो टी की आउटलाइन बनाएंगे, टी और रे की आउटलाइन बनाएंगे, सो टी के बाद पा का वोवल आ रहा है तो टी के बाद हमने डार्क डॉट लगा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब आर यानी आर के बाद में भी पा का वोवल आ रहा है तो आर के बाद में भी फर्स्ट प्लेस पर हम एक डार्क डॉट लगा देंगे, सो ये वर्ड हो गया तारा, ठीक है फ्रेंड्स। सो आपको इन रूल्स को ध्यान रखना अच्छे से, रूल्स के अकॉर्डिंग ही सारे एग्जांपल्स से आपको समझ में आएगा, अच्छे से आप इन रूल्स और वोवल्स की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए। आज के वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके कोई भी आपकी डाउट्स या क्वेरीज हो तो उनको आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी एज सून एज पॉसिबल आपकी हम हेल्प करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज और रिलेशंस के ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी शॉर्ट एंड सीखकर अपना करियर एज एस्ट्रोनोग्राफर बना सके। और अगर आपको आज का वीडियो काफी अच्छा लग रहा हो, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे टाइम पर मिल जाए। सो अगर आप हमसे ऑफलाइन भी शॉर्ट एंड सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको यहाँ पे आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर शो हो जाएगा, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप हमसे शॉर्ट एंड ऑफलाइन भी सीख सकते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियोज़ देखिए, शॉर्ट एंड सीखिए, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट एंड सीखना। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।